बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसका हम वर्जन 2010 यूज़ करते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस चार चीज़ें हैं इसके अंदर आपके पास, जो बेसिक ज़्यादातर यूज़ होने वाली चार ऐप्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। सबसे पहले हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, कैलकुलेशंस करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, उसके अलावा एक्सेस में डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये चार तो बेसिक टूल्स हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर पब्लिशर वगैरह, आउटलुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज़ेज इतना ज़्यादा नहीं है। अगर है भी तो वो फील डिफरेंट आ जाती है, जैसे कि आउटलुक है तो मेल्स वगैरह को रिसीव करना या मेल्स सेंड करने के लिए होती है। तो ज़्यादातर जो यूज़ेज होता है वो वर्ड, एक्सेल दो चीज़ें हैं, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ होती है, जबकि एक्सेस में जो है हम डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमारा है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड को बेसिकली हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सपोज बुक राइट करनी है, बुक के अलावा आपके पास आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स, एसेज, लेटर्स, CV, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से बेसिकली अगर आपसे कोई MS वर्ड की एक वर्ड में डेफिनेशन पूछे तो आप उसको कह सकते हैं कि MS वर्ड को हम डॉक्यूमेंटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस कि डॉक्यूमेंटेशन की जाती है MS वर्ड के अंदर, क्लियर। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कुछ भी आ सकता है, लाइक बुक्स बनानी है, किसी डेट शीट का बनाना है, आपने टेम्पलेट बनाना है, डेट शीट डिज़ाइन करनी है, टेबल बनाना है, CV बनानी है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से आप कोई भी चीज़ इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो MS वर्ड की फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन भी होती है, फ़ाइल का नेम जो भी लिखें, फाइल नेम .docx, ये MS वर्ड की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, MS वर्ड के अंदर जब आप वर्क करते हैं, जब उसको आप सेव करते हैं, तो सेव आप चाहे जिस मर्ज़ी नेम से करें, तो उसके नेम के बाद .docx उसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली उसके साथ ऐड हो जाती है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर पहचानता है कि ये MS वर्ड में ओपन होने वाली फ़ाइल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है उसके अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें MS वर्ड के नाम से एक ऐप पड़ी होगी, उसमें हम मैंने ये फ़ाइल ओपन करनी है। ये कंप्यूटर को पता चलता है आपकी .docx की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात के जब आप MS वर्ड में वर्क करते हैं तो MS वर्ड को यूज़ करने से पहले आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके
लैपटॉप कंप्यूटर में या मोबाइल में भी आजकल मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल हुआ होना चाहिए, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, लेकिन जब तक आप उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने उसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आप सेटअप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपने अगर आपके पास मौजूद है इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड। ठीक है, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप इंस्टॉलेशन के बाद स्टार्ट मेन्यू में जस्ट वर्ड टाइप करेंगे। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करके आपने इसमें जस्ट टाइप करना है वर्ड, तो आपके सामने वो आ जाएगा। वर्ड जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जैसे ही ओपन होता है, आप गौर करें तो आपको टॉप पे ना डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट टू मीन्स कि इससे पहले हम एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर चुके हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट वन। तो अब अगर आप गौर करें तो अभी हमने जस्ट इसको ओपन किया, इसको सेव नहीं किया। तो सेव करने से पहले जो डिफ़ॉल्ट नेम इसको अलॉट किया जाता है वो होता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के साथ आगे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, उसका नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके राइट लेफ्ट दो डिफरेंट सेक्शंस हैं। राइट साइड पे आएँ तो आपको 3 बटन नज़र आएंगे, क्लोज, रिस्टोर डाउन, या आपने विंडो को छोटा बड़ा करना है, और ये है मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज, ठीक है। तो उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखें तो ये क्विक एक्सेस बार है, क्विक लॉन्च एरिया भी, या क्विक एक्सेस टूल बार भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें आपके पास क्विकली सेव करने का बटन है, अंडू रीडू करने के लिए बटन है, इनको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बटन्स को, वो आगे हम देखेंगे कि कैसे। और इसके साथ वर्ड W लिखा हुआ वर्ड का सिंबल है, लॉगो है, आप इसको लॉगो भी कह सकते हैं, सिंबल भी कह सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं जो हमने इस साइड पे राइट साइड पे अभी देखे थे, ठीक है। इसी तरह जब टाइटल बार से नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपके ब्लू कलर का एक बटन शो होता है, जिस फाइल फाइल इसको कहते हैं फाइल मेन्यू, या फाइल बटन भी, ऑफिस बटन भी कह सकते हैं आप। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेव करना, सेव एज, ओपन करना, ओपन किसी प्रीवियसली पहले से बनी बनाई फाइल्स अगर आपके पास सेव हैं तो उनको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह रिसेंटली जो फाइल्स आपने बना ली हैं, रिसेंटली जिनके ऊपर वर्क किया हुआ है, वो यहाँ पे शो होंगी। न्यू फाइल बनानी है तो न्यू फाइल बनाने के लिए आप न्यू का ऑप्शन यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करनी है तो क्रिएट पे क्लिक कर दें, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। बाकी नीचे office.com, ये ऑनलाइन अगर आपने कोई चीज़ें, कोई कार्ड्स वगैरह निकालने हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स उठानी है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं इजीली। बाकी ब्लॉग पोस्ट हैं, रिसेंटली रिसेंट टेम्पलेट जिन पे ऊपर रिसेंटली हमने वर्क किया होगा, अगर किया होगा तो यहाँ पे शो हो जाएंगे इस ऑप्शन के अंदर। सैम्पल टेम्पलेट्स हैं, इसमें जाएं तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाती हैं, लेटर्स की, रिपोर्ट्स की, रिज्यूमे की, ठीक है, जिनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो आप अभी तो हमने पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा इसलिए कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। सेव एंड सेंड, सेव के साथ आप उसी फाइल को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को ऑनलाइन, ठीक है। ऊपर अब ये तीसरी दफ़ा सेव का ऑप्शन यूज़ हुआ है, सेव, सेव एज एंड सेव एंड सेंड, ये तो हर डिफरेंट है। सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? सेव होता है जब आप किसी फाइल पे काम करते हुए सेव करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आपसे पूछता है कि यार फाइल कहाँ पे सेव करनी है, किस नेम के साथ सेव करनी है, तो उसे कहते हैं सिंपल सेव। उसके लिए कंट्रोल प्लस एस की कमांड यूज़ होती है। लेकिन जब आप सेव एज करते
कहते हैं। सेव एज तब यूज़ किया जाता है जब आप एक फाइल को एक दफ़ा सेव कर चुके हैं, आप दूसरी दफ़ा जब आप कंट्रोल एस करेंगे या सेव करेंगे तो वो उसी के ऊपर ओवरराइट करता जाएगा। दोबारा आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है और किस नेम के साथ सेव करना है, ठीक है। तो सेव एज एक ऐसी कमांड है कि जिस इसको जितनी दफ़ा यूज़ करेंगे वो हर दफ़ा आपसे पूछेगा कि फाइल का नेम क्या रखना है और किस जगह पे सेव करनी है। यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू आप एक ही फाइल को डिफरेंट नेम्स के साथ डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सेव करवा सकते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू के साथ आगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब्स कहलाते हैं आपके, डिफरेंट टैब्स कहलाते हैं। अब हर टैब के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे उसके अप्रोप्रिएट, उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे होम के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बटन्स भी कहते हैं या आइकन बटन्स भी कह सकते हैं आप इनको। अब जिस ये ऊपर तो आपके आगे टैब्स, टैब्स के नीचे जिस पट्टी पे ये बटन शो हो रहे हैं, ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसको कहा जाता है रिबन। रिबन को आप हाइड भी कर सकते हैं लेकिन टैब्स आपके उसी तरह शो होंगे। जब आप उन पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो वो फिर से हाइड। ये कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क के साथ एक बटन लगा होता है, इसकी मदद से आप इसको वापस भी ओपन कर सकते हैं। तो अब ये रिबन्स के ऊपर आपको डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आएंगे, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। तो ये पांच ग्रुप्स हैं होम के टैब के अंदर जिनको यूज़ करते हुए आपने काम करना है, ठीक है। उससे नीचे आ जाएं तो हमारे पास रूलर आ जाते हैं जो हमें बताते हैं कि पेज का वर्किंग एरिया कितना है, ठीक है, पेज का साइज़ कितना है, मार्जिन्स क्या रखे हुए हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा डिफरेंट लोकेशंस, और सेंटर में जो आपको वाइट एरिया शो हो रहा है इसको कहते हैं पेज या वर्किंग एरिया। पेज होता है पेज, इसके ऊपर आपने काम करना है, जो भी चीज़ लिखनी है आपने इस पेज के ऊपर लिखनी है, ठीक है। तो इन सब के बाद नीचे जो आपके पास शो होता है डाउन बिल्कुल नीचे, इसको स्टेटस बार भी कहते हैं। अब स्टेटस बार में भी डिफरेंट पोजीशंस है, एक साइड पे आपको स्टेटस शो करता है कि पेज वन ऑफ वन, पहले एक ही पेज है और हम उसी पे बैठे हुए हैं। अगर ज़्यादा पेजेस होते तो आपको काउंट करके बताता। वर्ड्स ज़ीरो के हमने इस टाइम तक कितने वर्ड्स यहाँ पे टाइप कर लिए हुए, कोई भी नहीं किया सो कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब राइट साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट व्यूज़ का एक ग्रुप नज़र आएगा जिसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज़ हैं, ठीक है। फुल प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट, आउटलाइन या ड्राफ्ट, या आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद जूम पैनल है आपके पास, बाई डिफ़ॉल्ट 100 जूम होता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मैक्सिमम जो जूम साइज़ है वो 500 होता है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। 500 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, 500 इज़ द मैक्सिमम रेंज। डिफ़ॉल्ट 100 पे रखते हैं ताकि हर चीज़ आपको इजीली नज़र भी आए, आप उसको समझ भी सकें, ठीक। अभी तक हमने क्या देखा कि टॉप पे जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार के साथ नीचे हमने फाइल मेन्यू कह सकते हैं आप इसको, उसके बाद हमने टैब्स देखे, टैब्स के नीचे हमारे पास रिबन्स हैं, रिबन्स में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर आपके पास आइकन बटन्स होते हैं या ऑप्शन बटन्स भी कह सकते हैं आप इनको, ठीक, जो भी कहना चाहें, जो भी नाम आपको इजी लगे आप उसको यूज़ करते हुए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी
रूलर है, वर्किंग एरिया है, नीचे स्टेटस बार में आपके पास स्टेटस है कि जहाँ पे आपका स्टेटस शो होगा कि आपके वर्ड्स कितने हैं, कॉलम्स कितने आपने लिख लिए, पैराग्राफ्स कितने लिख लिए, जूम साइज़ आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड में आपके पास पेजेस हैं, पेज का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी वर्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर जो इसके मुताबिक होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने ये टाइटल बार लिखा हुआ है, तो अभी आप जब रिबन टैब्स के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले टैब हमारे पास आता है होम का। होम के टैब में हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में चार ऑप्शंस है आपके पास, कट, कॉपी, पेस्ट, बेसिक थ्री है, ठीक है। कट, कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर ये एक अलग ऑप्शन है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेट पेंटर का क्या मकसद होता है, किस लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। कट, कॉपी एंड पेस्ट, अभी ये दोनों ऑप्शन हमारे पास डिसेबल हैं, यानी कि इन पे हम कोई वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब तक हम यहाँ पे कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं करते, जैसे ही सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप इस क्लिक को छोड़ेंगे, तो अब ये कट का ऑप्शन भी है, कॉपी का भी है। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे आके आप जस्ट इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि कट करो और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब दोनों ऑप्शंस का तकरीबन काम एक जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कट का मतलब होता है कि मूव करो, कि आप यहाँ से ये चीज़ उठाओ और दूसरी जगह पे रख दो, जबकि कॉपी लव्ज़ ही नकल, नकल करना, यानी कि एक जगह पे जो चीज़ रखी है एज इट इज़ उसको उठा के दूसरी जगह पे भी रखो, या वैसी ही एक चीज़ ला के दूसरी जगह पे भी रखो, उसको कहते हैं कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सपोज़ आप कट को यूज़ करते हैं, तो जब कट पे के ऊपर आप माउस रखेंगे तो वो आपको बताएगा कि कट दिस सिलेक्शन एंड पुट इन ऑन द क्लिपबोर्ड, और उसके ऊपर वो आपको कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की भी बता रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट कीज़ आपको हर ऑप्शन के साथ मिलेंगी, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज़ भी लिखवा दूंगा, बल्कि बता भी दूंगा कि कौन से काम के लिए कौन सी की यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। कट, कॉपी एंड पेस्ट, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जब आपने उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है यानी कि मूव करवाना है, तो आप कट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरी साइड पे आपका पेस्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस वी, जो आपको किस पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, जब आप कोई चीज़ आपके पास हो जैसे स्टिकर वगैरह आप हो, तो आप किसी जगह पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं। इसी तरह जब आप कोई चीज़ कॉपी या कट या कॉपी कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको चिपकाने का अमल बाकी रह जाता है कि कहाँ पे चिपकाया जाए, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कहाँ पे रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट ग्रुप में अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें कुछ थोड़े से ऑप्शंस की तादाद ज़्यादा है फॉन्ट वाले ग्रुप में। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट स्टाइल, आप इसमें कोई भी स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टाइल आपको पसंद आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकियों से उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी आप काम करेंगे वो सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर होगा, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्टेड सिलेक्ट किया हुआ होगा सिर्फ उसी टेक्स्ट के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आपके पास है कि फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब जाके अगर आप चेंज करें यहाँ पे,
स्टाइल तो आपको बेहतर नज़र आएगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये दो बटन हैं, आप इनके थ्रू भी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज 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 इंक्रीज। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो साइज़ आ रहा है वो 72 आ रहा है, लेकिन जब आप बटन के थ्रू जाते हैं तो वो आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप मैक्सिमम करके देखेंगे ना, जितना आगे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों ने करके देखना है और फिर कमेंट बार में मुझे बताना है कि इसका मैक्सिमम साइज़ आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, नीचे वाली रो में आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है बी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है बोल्ड करना, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को थोड़ा सा बाकी टेक्स्ट से उभार देगा, उसकी थिकनेस ज़्यादा कर देगा, उसका मोटाई उसकी थोड़ी बढ़ा देगा, तो इसको कहते हैं बोल्ड करना। सेम लाइक जब आप इसके साथ वाला दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, इटैलिक, इटैलिक साइज दे सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके लिख देगा, बाकी टेक्स्ट की बनिस्बत थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है यू यानी कि अंडरलाइन करना, किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट, उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी, आप इन लाइन की तादाद बढ़ा भी सकते हैं, स्टाइल डिफरेंट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर लें, इट्स योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप कभी कॉपी वगैरह पे लिख रहे होते हैं तो सम टाइम आपको आप गलत भी लिख जाते हैं, अब बजाय एक रूल होता है कि उसको मिटाने के, मतलब उसके ऊपर पेन मूव करते रहें, इसके बजाय आपको कहा जाता है कि जस्ट उसके ऊपर एक सीधी लाइन लगा दें ताकि पता चले कि ये चीज़ गलत होगी या हम इसको इग्नोर करें, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज़ होता है। ठीक है, अंडरलाइन के बाद आगे ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू मीन्स कि जब आप कोई गलत चीज़ लिख देते हैं तो या उसको रिमूव करने के आप उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, मीन्स कि पता चले कि ये चीज़ गलत है, इसको आप जस्ट देख सकते हैं, इग्नोर करके गुजर जाए। ठीक है, इसी तरह मैथ्स के अंदर जब आप पावर एंड बेस यूज़ करते हैं, पावर एंड बेस मैथ्स में तो वही रूल है, लेकिन जब आप एमएस वर्ड में उनको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट के नाम से पहचानी जाती हैं। आपकी जो मैथ में पावर होती है वो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, और जो मैथ की बेस होती है वो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के नाम से पहचानी जाती है। बाई डिफ़ॉल्ट तो आप जैसे ही, फॉर एग्जांपल मैं 10th लिखता हूँ, तो जैसे ही 10th लिख के आप स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली टी और एच को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे थर्ड में लिखता हूँ थर्ड पोजीशन, तो वो आर और डी को भी ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा, यानी कि उसको पोजीशन मतलब पावर में लेके चला जाएगा या आप सुपर स्क्रिप्ट में लेके चला जाएगा। लेकिन सम टाइम हमें जैसे एक्स की पावर 2 हमने लिखना है, तो अब इस पे हम जब यूज़ करेंगे तो हमें मैन्युअली जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा, पावर लेनी है तो पावर, बेस लेनी है तो बेस, एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद आप दोबारा उसको जब आप नेक्स्ट काम करना शुरू करेंगे, अगर तो आपने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो उसी तरह लिखा जाएगा जब तक आप इसको दोबारा डिस एक्टिव नहीं करेंगे यानी कि इनएक्टिव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको दोबारा टॉगल, एक दफ़ा क्लिक करने से ये ओपन हो जाता है, दूसरी दफ़ा क्लिक करने से ये क्लोज़ हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करके आप काम करेंगे तो नॉर्मल वर्क में शुमार होगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह पावर एंड बेस, इस इनकी भी शॉर्टकट कीज़ आपको इसी के साथ मिल जाएंगी। ठीक, बाकी इसमें आपके पास आगे आ जाता है जी कि आपने फॉन्ट को स्टाइल्स कौन से देने टेक्स्ट को, जैसे मैं ये एक
वर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी आप स्टाइल चूज़ कर लूँ जो मुझे अच्छा लगे। ठीक, तो वो स्टाइल में आ जाएगा। अब जैसे ही ये स्टाइल आप अप्लाई करेंगे, इससे नीचे आप इसके डिफरेंट कलर्स हैं, आप आउटलाइन कलर्स, फिल कलर्स इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मीन्स ये शेडो आ गया, शेडो देना है आप शेडो भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का शेडो, रिफ्लेक्शन देनी है रिफ्लेक्शन दे दें, चॉइस इज योर्स कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लो करना है ग्लो, ये भी एक स्टाइल होता है टेक्स का, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट आपका किसी भी तरह का हो सकता है, नेम लिख सकते हैं आप, किसी की डेफिनेशन हो सकती है, किसी का एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। वो आपको बेहतर पता होगा कि आप ने क्या चेंजेस करनी है, किस स्टाइल में क्या लिखना है। ठीक है, इसी तरह हाईलाइट कलर है, ये एक बटन आता है फॉन्ट के ग्रुप का लास्ट बटन, जिसको आप कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें आप सिलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग हुई होगी वो उसको ख़त्म करके आपके टेक्स्ट को नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा वो। ठीक है, ठीक हो गया। हाईलाइट कलर होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है, टेक्स्ट को नहीं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को, यानी कि पेज को अप्लाई होता है ये। ठीक, कोई भी कलर आप, ये हाईलाइट कलर में आपके पास टोटल 15 कलर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इन 15 कलर्स में से आप कोई भी अपना हाईलाइट कलर ले सकते हैं। हाईलाइट जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब देखें आपके फॉन्ट के कलर को उसने नहीं छेड़ा, ये आपके बैकग्राउंड कलर को छेड़ रहा है। फॉन्ट के कलर के लिए इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यूज़ होती है, इसमें बेशुमार कलर्स हैं, आप फॉन्ट के कलर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर के बाद अगर इसी के कोई भी ऑप्शन है, आप उसको फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट है, बेशुमार फॉन्ट कलर्स हैं, मोर कलर्स में हैं, यहाँ पे आपको बेशुमार और कलर्स मिल जाएंगे, आप जो भी कलर लेना चाहें आप उसको इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी के नीचे देखें तो ग्रेडियंट कलर, यानी कि मिक्सचर ऑफ कलर, दो तीन कलर से मिल के आपने एक कलर बनाना है, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट जो सिलेक्टेड कलर होगा उससे मिलके बनता है, या मोर ग्रेडियंट में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी, लाइक ये थ्री नोड्स हैं, स्टार्टिंग मिडल एंड एंडिंग कलर। मैं स्टार्टिंग वाले को चूज़ करके यहाँ पे इसको कहता हूँ कि इसका रेड कर दो, मिडल वाले को मैं कहता हूँ इसका ग्रीन कर दो, और एंड वाले को मैं कहता हूँ कि इसका ब्लू कर दो। तो ये तीन कलर्स मिलके हमारा एक कलर बन गया। अब इसके बीच में आप डिफरेंट नोड्स भी ऐड कर सकते हैं, उन नोड्स को आप डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, लाइक मैं येलो दे देता हूँ, इस साइड वाले को मैं दे देता हूँ, कोई भी दे दें आप, तो वो आपका कलर बन जाएगा। आप उसको जूम करके देखें, या अगर आप उसका फॉन्ट साइज बढ़ा के देखते हैं तो वो भी आपकी मर्जी, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके देख लें, तो ये एक ही वर्ड के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, एक ही करेक्टर के अंदर खत्ता के आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सेम लाइक डैट, आप एक ऑप्शन रह गया फॉन्ट के ग्रुप के अंदर कैपिटल एंड स्मॉल है, इस पर करेंगे तो वो चेंज केस के ऑप्शन आपको शो करता है। तो चेंज केस के लिए मैं पहले एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, पैराग्राफ के लिए आप सिंपल आई इज इक्वल टू आर ए एन डी
रैंड वन। ये एक फंक्शन होता है जिसमें आप यूज़ करते हुए रैंड लिख के ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स लिखते हैं, एक लिखें, दो लिखें, 10 लिखें, 50 लिखें, 100 लिखें, उतने पैराग्राफ्स आपको फॉर प्रैक्टिस पर्पस दे देता है कि आप इस पे प्रैक्टिस सीख सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट जो हमारा केस होता है ना, वो हमारा हम सेंटेंस केस ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन केसेस में बात करें तो और भी डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। सेंटेंस केस होता है कि हर सेंटेंस का पहला करेक्टर हमारा कैपिटल होगा, लेकिन यहाँ पे देखें सेंटेंस केस तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लोअर केस, तमाम करेक्टर लोअर केस में आ जाएंगे। इसी तरह अपर केस जब आप यूज़ करते हैं तो तमाम करेक्टर अपर केस यानी कि कैपिटल में आ जाएंगे। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल, ठीक। लास्ट वन इज टॉगल केस, कि हर के वर्ड का पहला करेक्टर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो है सेंटेंस केस, कि हर सेंटेंस का पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट का ग्रुप, ये दो ऑप्शंस हमने, दो ग्रुप्स हमने पढ़े, इन दोनों की प्रैक्टिस करें और जो चीज़ समझ नहीं आती उसको कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। कमेंट्स में आपको मैं ईमेल भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उसमें अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, जो चीज़ पूछनी हो आप इजीली पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी इससे आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, अल्लाह हाफिज़।